अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ईद कुर्बान महज दो दिन पर है। इस ईद का पैगाम तो बहुत बड़ा है और अगर देखा जाए तो इस्लाम का हर रुकन हर जूज कुर्बानी की तरफ ही इशारा करता है और ईद उल अधा का तो मुकम्मल तौर पर पैगाम यही है कि अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लुटा देना, हत्ता कि जरूरत पड़ी तो अपनी आल औलाद को भी कुर्बान कर देना। यहाँ पर मुकम्मल इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का तस्करा जरूरी नहीं समझो, क्योंकि तकरीबन लोग तो जानते भी हैं और सभी को मालूम है कि ईद का असल पैगाम क्या है। खासकर अब जब मौजूदा दौर में खुसूसन भारत के मुसलमानों पर आजमाइश का दौर जारी हुआ है, ऐसे वक्त में क्या महज जानवरों की ही कुर्बान कि उसकी कुर्बानी काबिले कबूल होगी जिसका जानवर जितना बड़ा हो। अब सब कुछ यही देखने को तो मिल रहा है। हज के लिए दुनिया भर से लोग मरकज़ इस्लाम पहुंच चुके हैं, अब तक का सबसे बड़ा हज कहा जा रहा है। खैर, आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई नौजवानों को हमने देखा कि व्हाट्सएप स्टेटस पर जानवरों की तस्वीरें रखी जा रही। सभी जानते हैं कि जब भाजपा की हुकूमत थी तो किस मुश्किल दौर से यह समाज गुजरा है। यहां तक कि भैंस को, जिसको कट्टी कहते हैं, को भी पुलिस वाले उठा ले जाते थे। मैं सभी के बारे में नहीं कहता, लेकिन कुछ लोगों को ईद भी एक तरह का धंधा बनता जा रहा है। कुछ कसाई मनमानी रकम लूटने का रिवाज रहा है और खासकर मुसलमान दीनी मामलात में जज्बाती हो जाता है। सामने वाले को कभी एहसास ही नहीं रहता कि दीन की आड़ में भी रुपये ज्यादा लूट रहा हूँ, जबकि ईमान कहता है कि जितना मुकद्दर में है हासिल होकर ही रहेगा। लेकिन अब ये तमाम बातें कई लोगों को मायने नहीं रखती। अब तो हज उमरा के नाम पर भी लूट मार जा रही है। शायद ही कोई दीनी शोभा रह गया जहाँ इंसान के जज्बात का सौदा नहीं किया जाता हो। खैर, ईद के लिए कुर्बानी के जानवर जब ला रहे हैं तो इसका भी ख्याल रहे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बेलगाम में कुछ लोग मुखबिरी करते हैं और यह खबरी नेटवर्क इस तरह काम कर रहा है, खामखा जानवर की तस्वीर निकाल कर पुलिस महकमा को पहुंचाया जाता है। अब उन्हें क्या कहा जाए जो खबरी लाल बनकर बैठे हैं, कौम की खबरों को पहुंचा कर आखिर इन्हें क्या हासिल होता है। और उन नौजवानों से भी गुजारिश है कि व्हाट्सएप स्टेटस से तुम्हारी कुर्बानी कौन सी आला मुकाम हासिल करने वाली है। और जब जानवरों को पुलिस उठा ले जाएंगे तब फिर यहाँ वहाँ फोन लगाकर इल्तजा करते रहना। अगर वाकई तुम्हारे पास तमाम दस्तावेज मौजूद है और जानबूझकर इंतजामिया का शख्स तुम्हें हिरासा करने के लिए आता है तो सीधे MLA या पुलिस कमिश्नर से बात की जाए। पिछली सरकार में पुलिस वालों को जानवरों के मामले में सख्त हिदायत थी और इंतजामिया की भी मजबूरी रहती है, पर अब तो कांग्रेस हुकूमत में थोड़ी छूट मिल रही है तो इसे गरिमत समझा जाए। उज्जवल नगर अमन नगर में अगर पुलिस जानवरों को ले जाने के लिए आ रही है तो आला पुलिस अफसरान से रابطہ करे। और वैसे भी जल्द कोकशी कानून को वापस लिया जाने वाला है। कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है कि खुलेआम बिजली के खंभों को सड़कों पर जानवर बांधे जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि कुर्बानी करना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। जरूरत है एहतियात बरतने की, क्योंकि फिरका परस्त एक आध गलती के इंतजार में है और हम खुद किसी तरह का रास्ता न बना कर दे। बजाय मोबाइल पर तस्वीरों को आम करने से कुर्बानी के असल मकसद की तरफ भी तवज्जो देते तो शायद आने वाली नस्ल के लिए कुछ सरमाया भी बना सकते। सिर्फ जानवरों की कुर्बानी ही अब ईद कुर्बान का मकसद रह गया है क्या? ऐसा सवाल भी तो आना लाजिम है। अल्लाह के पास ना तो तुम्हारा गोश्त पहुंचता है और न ही खून, वहां तो तुम्हारी नियतों को देखा जाता है, ऐसा खुद कुरान कहता है। जरूरत है इस दौर के मुसलमान को ईद के असल रूह को समझने की। अब तो इसके मायने ही बदलते जा रहे हैं। कुर्बानी का मतलब जानवरों को जुबा करो, महीनों फ्रिज में रख कर खुद खाओ, टीपू जयंती मनाने के लिए DJ, रमजान जिसे बद्र का महीना कहा जाता है, जंग बद्र का जिक्र करने के बजाय सहरी इफ्तारी के मेनू में ही गुजर जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें इमामुल मुजाहिदीन कहा जाता है, इन वाकयात का जिक्र करें मिलाद के मौके पर बजाय इन बहादुरी के वाकयात का जिक्र करते दिगर मामलात में लाखों रुपए खर्च करना। मतलब हमने अपने सोचने का तरीका ही बदल दिया है। वजीर रियासत प्रियांक खड़गे ने गोरक्षकों को तंबी दी है कि जानवरों को पकड़ने के लिए खुद कानून को हाथ में ना ले। लेकिन इसके बावजूद कि अल्लाह ताला आपके पास हलगा विधान सौध के पास या फिर खानापुर रोड पर कुछ गाड़ियां चेक करने वाले फर्जी गिरोह देखे जाने की तलाश हासिल हो रही है। जमातों की जिम्मेदारी है कि पुलिस के रास्ते में रहे। अगर मुकामी पुलिस साथ नहीं दे रही तो कमिश्नर से रابطہ करे। कुछ पुलिस वालों को आदत है कि कमिश्नर के पास जानवर की तस्वीर किसी ने भेजे जाने की बात कही जाती है। जैसे वजीर रियासत प्रियांक खड़गे ने कहा कि कुछ पुलिस वाले गोरक्षकों के रास्ते में रहते, लिहाजा कुछ जुगाड़ की भी बात होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। जब भी कोई मामला पेश आए मुकामी MLA को इत्तला दी जाए। कानूनी दस्तावेज मुकम्मल हो ये भी जरूरी है। बेचने वाले किसान की तरफ से रसीद हासिल की जाए, डॉक्टर सर्टिफिकेट हो तो बेहतर है। लिहाजा शरारती अनासिर फिराक में तो रहेंगे, जरूरत है हमें भी एहतियात बरतने की। जो भी जानवरों को लेकर तहकीक करने के लिए मोहल्ले में आता है उसका वीडियो जरूर बनाएं। जानवरों की कीमत भी बहुत है। 30,000 से 40,000 तक के जानवर में 7 हिस्से भी होते हैं। अपनी कुर्बानी के फराइज को अंजाम देने के लिए हर मुसलमान कोशा रहता है। अलग अलग जगहों पर ईद के लिए स्लॉटर हाउस भी बनाए जाते हैं। उम्मीद है कि अगले महीने 3 तारीख को बेंगलोर में सेशन होने जा रहा है। इसमें गोकशी कानून और 4% रिजर्वेशन जो रद्द किया गया है वापिस लिया जा सकता है। जानवरों के खाल का भी कारोबार
बड़ा है, लेकिन जानबूझकर ईद उल अदहा के वक्त 200 रुपया 150 रुपया खाल की कीमत कर दी जाती है। वैसे भी बीफ का कारोबार कर करोड़ों रुपया कमाने वाले गैर मुस्लिम ही है, लेकिन ऐतराज तो बेचारे मुसलमानों पर ही किया जाता है। खैर, जरूरत एहतियात बरतने की, यही हमारे हक में बेहतर होगा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।